तो संसद की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में अब छठे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी कई अहम खुलासे कर रहे हैं। ये अहम खुलासे क्या हैं? आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। संसद के अंदर 13 दिसंबर को जो हुआ वो देश कभी नहीं भूल पाएगा। 22 साल बाद एक बार फिर संसद में हुई घुसपैठ की स्टोरी ने पूरे देश को दंग कर दिया। इसके पीछे के किरदारों की खौफनाक मानसिकता को समझने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत पर भी कानून का शिकंजा कस चुका है। आरोपियों से पूछताछ में कुछ बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं, कुछ बेहद अहम सवाल सामने आ रहे हैं। संसद में क्या है 7 स्मोक कैंडल की मिस्ट्री? आरोपियों ने क्यों की? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब धीरे धीरे सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं। ललित झा, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में इसी चेहरे को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित झा ने खुद को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया और उससे पूछताछ में कुछ बेहद अहम बातें सामने आ रही हैं। ललित झा ने पूछताछ में बताया कि वो 7 स्मोक कैंडल लेकर संसद भवन गए थे। अपने काम को सीक्रेट रखने के लिए सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। आरोपियों ने गूगल पर एरिया सर्च किया था, संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो भी देखे थे। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अहम सवाल यही है कि क्या जो दिख रहा है वहीं तक ये साजिश सीमित है, या फिर जो कुछ हुआ वो बस ट्रेलर था, आगे कुछ और खौफनाक प्लानिंग चल रही थी। इनकी प्लानिंग पूरी तरह से तैयारी पर डिपेंड थी, जो इन्होंने पिछले काफी लंबे अरसे से कर रखी थी। इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम और राज खोल रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सभी रटे रटाए जवाब दे रहे हैं और पहले से जो सुनियोजित साजिश और प्लानिंग के तहत इन्होंने जो बयान तैयार किए थे वही लगातार पुलिस को बता रहे हैं। पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी है। सूत्रों के हवाले से जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित झा ने कुल 5 फोन नष्ट किए थे। ललित ने पहले चारों आरोपियों का फोन नष्ट किया था, इसके बाद दिल्ली आने से पहले ललित ने अपना फोन भी नष्ट कर दिया। ये भी आरोप लग रहे हैं कि ललित सुरक्षा एजेंसियों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ललित के अलावा दूसरे आरोपी भी पुलिस से पूछताछ में कुछ बेहद अहम खुलासे कर रहे हैं। सागर शर्मा वो शख्स है जो मनोरंजन के साथ दर्शक दीर्घा से कूद कर सांसदों के पास पहुंच गया था। स्मोक स्प्रे से संसद को धुआं धुआं करने के अलावा इसने नारेबाजी भी की थी। सागर ने पूछताछ में कुछ बेहद अहम खुलासे किए हैं। सागर का कहना है कि पब्लिसिटी के लिए उन्होंने संसद में आत्मदाह की भी योजना बनाई थी। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन प्रोटेक्टिव जेल खरीदने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जेल का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा था। सागर के शब्दों में उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और प्लेटफॉर्म एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर ही उनको मिल सकता था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कई तरह की प्लानिंग की थी। उनका मकसद था कि चर्चा में आने के लिए वो संसद भवन में आत्मदाह करें। आत्मदाह करने के लिए उन्होंने इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस देखे थे, कई सारे तरीके देखे थे, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव जेल भी वो खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चंदा भी किया था आपस में। सागर ने यह भी खुलासा किया है कि उनका मकसद सियासी दल का गठन था, यही वजह है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे मीडिया का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। आरोपियों से पूछताछ में नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उन बातों पर एतबार किया जा सकता है? क्या इस केस में अभी तक जो दिख रहा है वही सच है, या फिर सच कुछ और है? तो प्रधानमंत्री